हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। मैं हूं अनुपम श्रीवास्तव और आप सभी का अनुपम क्रिएशंस में स्वागत है। आज मैं आपके साथ सिंगल कलर की एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन शेयर कर रही हूं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में उतनी ही इजी भी है। 3 फंदों की बुनाई है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जब हम फंदे डालेंगे वो 3 के मल्टीपल्स में डालेंगे और 1 फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ मैंने 13 फंदे रखे हैं। 1 रो का बॉर्डर बिना है, जो कि राइट साइड से उल्टे उल्टे फंदों से बनाया गया है। 1 रो का बॉर्डर इसलिए बिना है क्योंकि ये डिजाइन बैक साइड से शुरू होती है। ये 4 रो की बुनाई है और यहाँ पर मैंने 13 फंदे डाले हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो बैक साइड से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद ऊन को आगे करके 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। ये इस तरह से 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर ऊन आगे करके 3 फंदे उल्टे बिनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदा सीधा बनाना है। ये बैक साइड से शुरू होगी डिजाइन और डिजाइन की ये फर्स्ट रो है। अब हम डिजाइन की सेकेंड रो पर हैं, जो कि राइट साइड से है। इस रो में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 3 फंदे सीधे हैं, इनमें जो ये बीचों बीच का फंदा है इसके और इसके बाद वाले फंदे के बीच से हमें डिजाइन बनानी है। तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद वाला फंदा हम उल्टा ले लेंगे। एक फंदा उल्टा बना लेंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। अब हमने आपको बताया है ना, ये सेकेंड और थर्ड जो सीधे फंदे हैं इनके बीच से हमें डिजाइन बनानी है। यहाँ पर हमें एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं, यानी कि हमारे पास 2 फंदे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। कैसे बनाने हैं, दूसरे और तीसरे के फंदे के बीच में ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, इस तरह से थोड़ा ढीला बनाएंगे, सराई पर ऊन इस तरह से आगे ले करके आएंगे और इसके बाद फिर पीछे से ये एक सीधा फंदा बुन देंगे। तो ये 1 से 3 फंदे बन गए हैं हमारे। फिर हम उनको आगे करेंगे, ये एक फंदा उल्टा बिनेंगे, जो तीसरा वाला है बीचों बीच का उल्टा फंदा है इसको उल्टा बिनेंगे और ये 3 फंदों में पहला फंदा उल्टा हमने अभी बिना था उसको उल्टा बिनेंगे। इस तरह क्या करेंगे, एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे और 3 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। फिर इसी तरह से उनको पीछे ले जाएंगे, ये एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं, दूसरे और तीसरे के बीच में सिलाई डाल करके इस तरह से एक ढीला फंदा सीधा ले लेंगे। सिलाई पर ये उनको इस तरह से आगे आ करके आगे ला करके इस तरह से सिलाई के ऊपर से ले जाएंगे और ये फंदा सीधा एक बुन देंगे। तो ये इस तरह से 1 से 3 फंदे बन जाएंगे। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। ये डिजाइन की सेकंड रो है और राइट साइड से है। अब हम डिजाइन की थर्ड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हमें वैसा ही बनाना है। ये 1 और ये 2, 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुन लेंगे। उनको अपनी तरफ करेंगे, ये 1 से जो 3 फंदे बनाए थे इन तीनों को हमें उल्टा बिनना है। ये तीनों फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। उनको पीछे करेंगे, ये 3 फंदे, ये 1, 2, 3 सीधे दिखाई दे रहे हैं, तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो हमें इस रो में क्या करना है, 3 फंदे सीधे बनाने हैं और 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही बनाना है। सीधे वाले फंदे सीधे बनाने हैं और जो 1 से 3 फंदे बनाए हैं उन तीनों फंदों को हमें उल्टा बनाना है। हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं, जो कि राइट साइड से है। इस रो को ध्यान से देखिएगा कि इसमें हमें क्या करना है। ये देखिए, ये 3 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनके साइड में एक इधर उल्टा फंदा है, एक इधर उल्टा फंदा है। इन 5 फंदों पर हमें डिजाइन बनानी है। कैसे बनानी है ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा हम ये सीधा इस तरह से इसको स्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद ये 2 फंदे लेंगे हम, उनको इस तरह से 2 का 1 बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 फंदे ज़्यादा हैं तो 2 फंदे हमें कम करने हैं, 2 का 1 बना लेंगे। एक फंदा सीधा है बीचों बीच का है, उसको ऐसे ही सीधा बुन लेंगे और फिर इसको ये जो सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है इन दोनों का 1 पीछे से इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे। जिस तरह से केबिल बनाते हैं उस तरह से यहाँ पर हमें केबिल बनानी है। इन दोनों फंदों में बीच का फंदा सीधा बुनना है और इन दोनों की केबल बनानी है। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदों से 3 फंदे हो गए। उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा जो दिखाई दे रहा है उसको उल्टा बिन लेंगे, फिर उन पीछे करेंगे, 5 फंदों में हमें डिजाइन बनानी है।
एक ये तीन फंदों वाला एक उल्टा लेना है, एक इधर तीन फंदों वाला उल्टा लेना है और तीन सीधे फंदे लेने हैं। किस तरह से बनाना है ये देखिए, आगे से पहले दो का एक बनाएंगे, फिर बीचों बीच वाला सीधा बना लेंगे और फिर पीछे वाले दो फंदे एक सीधा एक उल्टा, दोनों को पीछे से दो का एक सीधा बना लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है, इसके बाद का फंदा उल्टा और फिर इसी तरह से पांच फंदों से डिजाइन बनानी है। यहाँ पर फोर रो बना करके मैंने एक बार डिजाइन कंप्लीट कर ली थी और एक बार आपको फोर रो बना करके डिजाइन दिखा दी है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं, जैसे कि कार्डिगन, जैकेट, कोटी, फ्रॉक, किसी में भी आप इसे बना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आती है, इस डिजाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचने में आप सभी का काफ़ी सहयोग रहा है, आप सभी ने मुझे भरपूर प्यार दिया है और मैं चाहती हूँ कि ये प्यार और सहयोग इसी तरह से बना रहे और मैं रोज़ आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेकर के आ सकूँ।